यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज 10वां दिन है और भारत के खाते में 3 और गोल्ड आ गए हैं। तो गोल्ड के साथ शुरुआत हुई है आज के दिन की। आपको बता दें कि भारत के खाते में 3 और गोल्ड आ गए हैं। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने पहले गोल्ड जीता है, गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है और संजीव राजपूत ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। तो एक अच्छी शुरुआत आज की हुई है भारत की। आपको बता दें कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारत की गोल्ड से शुरुआत हुई है। स्टार बॉक्सर एमसी मैरी कॉम के बाद गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में तो संजीव राजपूत ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। तो हरियाणा के बल्लभगढ़ के निवासी है गौरव और साथ ही आपको बता दें कि संजीव राजपूत हरियाणा के यमुनानगर से है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक और हैट्रिक यहां पर लग गई है। 3 गोल्ड एक बार फिर से भारत के कब्जे में आए हैं और भारत की आज की शुरुआत काफी अच्छी रही है। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज 10वां दिन है। भारत के खाते में 3 और गोल्ड आ गए हैं। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने गोल्ड जीता है, गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, संजीव राजपूत ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। तो 3 और गोल्ड भारत के कब्जे में आ गए हैं। आपको बता दें कि गौरव सोलंकी और संजीव राजपूत दोनों हरियाणा के निवासी हैं। तो गौरव सोलंकी बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं, संजीव राजपूत हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज 10वां दिन है। भारत के खाते में 3 और गोल्ड आए हैं। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने गोल्ड जीता है, गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है और संजीव राजपूत ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। आपको बता दें कि गौरव सोलंकी और संजीव राजपूत दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के जवानों ने एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन किया है। गौरव सोलंकी बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं तो संजीव राजपूत हरियाणा के यमुनानगर के हैं। तो भारत के खाते में 3 और गोल्ड आ गए हैं। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, गौरव सोलंकी ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, संजीव राजपूत ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पवन शारदा हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन शारदा, तो 3 और गोल्ड भारत के कब्जे में आ गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज का दिन काफी अच्छा लग रहा है। जी पवन जी, जैसे कि ऐसा है कि पहले भी जो संजीव राजपूत जी हैं, पहले भी कई बार मर गया देश के लिए मर गया कोई ना कोई मेडल लेकर आए हैं। तो इस बार जो इन्होंने फिर गोल्ड हासिल किया है, उससे जो उनके परिवार में उनके रिश्तेदारों में काफी खुशी का माहौल है। जी तो यमुनानगर की अगर बात की जाए तो वहाँ कितना अच्छा माहौल परिजनों में देखने को मिल रहा है, काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही होगी क्योंकि हरियाणा के दो खिलाड़ियों ने एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन कर दिया है। कि उनके जो परिवार के लोग हैं या रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, काफी खुशी का माहौल है उनमें और काफी खुश हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन शारदा तमाम जानकारी देने के लिए। तो 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का 10वां दिन है, भारत के खाते में 3 और गोल्ड आए हैं। इसी बीच संजीव राजपूत के पिता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू। तो आपके बेटे ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता है, कितना गर्व महसूस करते हैं और कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा गर्व है जी, अपने देश का नाम किया, अपने शहर का नाम किया, अपने देश का नाम किया, अपने जिले का नाम रोशन किया, सबका भाई बहन और रिश्तेदार सबका नाम रोशन किया, सबसे बड़ी खुशी ये है जी। जी तो अब वापिस आने पर बेटे की स्वागत के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कितनी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है? हाँ जी, बहुत जोरों में तैयारी चल रही है, उसको लेने दिल्ली जा रहे हैं हम। दिल्ली जाएंगे कल को, देखो आज पता लगेगा आज आए या कल आए, उसको दिल्ली लेने के लिए स्पेशल जा रहे हैं। बिल्कुल, तो बेटे ने नाम रोशन किया है, कितनी उम्मीदें और बढ़ जाती हैं अब बेटे से? बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं जी, बहुत से ज्यादा उम्मीदें हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गोल्ड विजेता संजीव राजपूत के पिता जो हमारे साथ जुड़े थे। काफी गर्व महसूस ये करते हैं, अपने बेटे के द्वारा गर्व महसूस करवाया गया है हरियाणा को, जिसके बाद अब जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। इसी बीच गौरव सोलंकी के पिता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक पर।
तो बॉक्सिंग में बेटे ने गोल्ड जीता है, कितना गर्व महसूस करते हैं? हेलो जी सर, आपके बेटे ने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में, कितना गर्व महसूस करते हैं बेटे की इस जीत? बहुत ज्यादा गर्व करते हैं जी, बहुत ज्यादा जी। सर आपसे एक अपील है, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए। नहीं टीवी नहीं चल रही जी, मैं वैसे ही जो लोग हैं ना आए हुए हैं जी। तो बेटे के स्वागत की तैयारियां कितनी की जा रही है, कितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है? हाँ हाँ जी, खूब जोर शोरों से चल रही है जी, सभी कॉलोनी के बाहर के सभी लोग आ रहे हैं जी, सब अपना तैयारी में लग रहे हैं जी। बिल्कुल, तो सर गौरव सोलंकी के स्वागत के लिए तैयारियां तो की जा रही है, साथ ही उम्मीदें कितनी बढ़ जाती है और अब? हाँ जी बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ती है जी। अब आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा गौरव सोलंकी का? अब देखो जी आगे का लग रहे हैं जी, अब ये सभी लोग कर रहे हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गोल्ड विजेता गौरव सोलंकी के पिता, जो काफी गर्व महसूस करते हैं अपने बेटे की इस जीत पर। आपको बता दें कि गौरव सोलंकी और संजीव राजपूत दोनों हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड आज जीता है। तो भारत की झोली में एक बार फिर से 3 गोल्ड आ गए हैं। स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने भी आज गोल्ड जीता है और गौरव सोलंकी और संजीव राजपूत ने भी आज गोल्ड जीता है।